हे गाइस एंड वेलकम बैक टू योर चैनल जीनियस गुरु। सो दोस्तों, फाइनली इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसी ट्रिक बताने वाला हूं जिसके जरिए आप अनलिमिटेड आर्टिकल जनरेट कर सकते हो, वो भी यूनिक एंड हाई सीपीएम वाले। गाइस, अगर आप पेड फॉर आर्टिकल्स पे वर्क करते हो या आपका कोई ब्लॉग है या आप आर्टिकल्स राइट करते हो किसी भी वेबसाइट्स पे और वहां से अर्निंग करना चाहते हो, तो दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसे आर्टिकल जनरेटर के बारे में बताऊंगा जो कि यूनिक एंड हाई सीपीएम वाला आर्टिकल जनरेट करके देगा और मैं भी प्रेजेंट में उसी से जनरेट करके उसमें थोड़ी बहुत एडिटिंग करके, गाइस थोड़ा बहुत हमें एडिटिंग करना ही पड़ता है, और गाइस उसे पब्लिश करता हूं तो अच्छा खासा रिवेन्यू देखने को मिलता है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम गाइस वीडियो को करते हैं स्टार्ट। गाइस उससे पहले एक बात बताओ यार, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज यार चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बिकॉज यहां पे आपको इंटरेस्टिंग वीडियोस एंड यूजफुल वीडियोस डेली देखने को मिलती हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी आपको इस वेबसाइट की। इस वेबसाइट को मैंने अच्छे से रिसर्च किया है एंड इसी पे वर्क भी किया है। सो फटाफट से देख लेते हैं कि आपको ये सब कैसे करना। तो गाइस फर्स्टली आपको यहाँ पे स्टार्ट फ्री ट्रायल आपको सिंपली यहाँ पे क्लिक कर देना एंड देन आपको ईमेल कौन सा डालना है। गाइस पूरा वीडियो देखिएगा फिर आप कमेंट बॉक्स में, मुझे एक्सप्लेन करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है इसलिए गाइस अगर वीडियो बीच में आप स्किप कर देते हो तो पूरा नहीं समझ में आता। तो सबसे पहले तो आपको यहाँ पे गूगल में टाइप करना है टैंप मेल, ठीक है। टैंप मेल टाइप करने के बाद आपको फर्स्ट वाली लिंक को ओपन कर लेनी है एंड देन यहाँ पे आपको एक टेम्पररी मेल देखने को मिल जाएगा। अब आपको सिंपली वो टेम्पररी मेल यहाँ से कॉपी कर लेना है एंड देन जाना है इसी वेबसाइट पर, यहाँ पे पेस्ट कर देना है। आपका कोई रैंडम सा एक पासवर्ड बना लेना है और वही पासवर्ड आपको यहाँ पे रिपीट कर लेना है, ठीक है। सो जब आप सेम पासवर्ड दोनों पे डाल दोगे सिंपली आपको यहाँ पे क्रिएट पे क्लिक कर देना है, ठीक है। जैसे ही आप क्रिएट पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे लिख के आ जाएगा थैंक्स फॉर जॉइनिंग कॉपी माई टेक, वी जस्ट सेंट ए वेरिफिकेशन लिंक। अब आपके इस जीमेल पे वेरिफिकेशन लिंक गया होगा। अब आपको जाना है इसी टेम्पररी मेल पे एंड देन यहाँ पे आप देख पा रहे होगे यहाँ पे एक वेरिफिकेशन लिंक आ जाएगा। सिंपली आप इस पर टैप करोगे और अपना अकाउंट जो है यहाँ से गाइज एक्टिवेट कर लोगे, ठीक है। एक्टिवेट करने के बाद मेन चीज मैं आपको अच्छे से स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा, इस तरीके के एक डैशबोर्ड पे आप आ जाओगे। सो दोस्तों वैसे तो ये वेबसाइट काफ़ी यूजफुल है, देखिए आप यहाँ से खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं। यहाँ से आप वेबसाइट की हेडलाइंस, ब्लॉग टाइटल्स, इंट्रोज, आउटलाइंस, मेटा टैग यूआरएल एंड और भी बहुत कुछ है। अगर आप यूट्यूबर हैं तो यूट्यूबर के लिए भी यहाँ पे वीडियो टाइटल्स, वीडियो डिस्क्रिप्शन एंड गूगल एड्स डिस्क्रिप्शन, गाइस काफ़ी यूजफुल वेबसाइट है। आप यहाँ से बहुत चीज़ें यूज़ में ले सकते हैं, वो भी फ्री ट्रायल्स में। ऐसे ही अगर आपका एक बार ये ट्रायल्स ख़त्म हो जाए तो आप दोबारा से भी रजिस्टर कर सकते हो, ठीक है। तो आप सिंपली इतना चीज़ आपको समझ आ गया। अब आपको करना है ब्लॉग पोस्ट राइटर पर, ठीक है। यहाँ पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप गाइस कुछ इस तरीके का खुलेगा आपके सामने एंड देन यहाँ पे आपको US इंग्लिश एंड रेगुलर एक्टिविटी यहाँ पे कर देना, इससे हमें बिल्कुल छिड़कानी नहीं करनी है। अब आपको अपना फोकस कीवर्ड, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे फोकस कीवर्ड, आप इस यहाँ पे जैसे मैं मेक मनी या आपकी जो भी निश है, आप जिस निश से रिलेटेड कंटेंट लिखना चाहते हो, जैसे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ हाउ टू मेक मनी फ्रॉम होम, ठीक है। तो सिंपली ये चीज़ हमने लिख ली। अब हम इसे सिलेक्ट करेंगे, राइट क्लिक करके इसे कर देंगे सर्च गूगल, ठीक है। यही सेम चीज़ हम गूगल में सर्च करेंगे और यहाँ पे थोड़ा सा नीचे आके हम कोई सी भी एक वेबसाइट ओपन करके दो तीन लाइंस उसकी हम डाल देंगे, जैसे कि यहाँ पे मैं इसकी दो तीन लाइंस डाल देता हूँ। इससे गाइस कुछ नहीं होता, यहाँ से कॉपीराइट वगैरह या 100% यूनिक का कोई इश्यू नहीं आता। ये ओनली हम अपने कंटेंट को, इस वेबसाइट को बता रहे हैं हमारा कंटेंट कुछ इस टाइप का होना चाहिए, ठीक है। तो आप सिंपली आपको नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप नेक्स्ट पे क्लिक करोगे अब आपको जनरेट टाइटल्स पे क्लिक कर लेना है, ठीक है। यहाँ पे हम थोड़ा सा वेट करते हैं और ये हमारी ये टाइटल जनरेट हो गए। अब आप यहाँ पे टाइटल अच्छे से कोई अट्रैक्टिव टाइटल गाइस ढूंढ सकते हैं। और दोस्तों जैसे कि आपको भी पता है, अगर पेड फॉर आर्टिकल्स पे वर्क करते हो तो वहाँ पे 10 हाउ टू एंड 10 वाले जितने भी आर्टिकल्स हम राइट करते हैं उन पर बहुत जल्दी अप्रूवल भी मिलता है और दोस्तों बहुत जल्दी वो
यूजेबल होते हैं, वैल्यूबल होते हैं, तो बहुत जल्दी रैंक भी करते हैं गूगल में। तो कुछ इस टाइप का आप टाइटल चूज़ करिएगा जिसमें वैल्यू एड लगने वाली हो, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं 10 वेज हाउ टू अर्न मनी विद बेस्ट अपॉर्चुनिटी ऑफ द टाइम, ठीक है। तो सिंपली इस पर सिलेक्ट पर क्लिक करके मैं इसे सिलेक्ट कर लूँगा एंड देन आपको जनरेट इंट्रोज पर क्लिक कर देना है, ठीक है। और थोड़ा सा वेट करना है आपको, थोड़ा सा वेट करने के बाद ये ऑटोमेटिकली इंट्रोज जनरेट कर देगा। अब आपको थोड़ा सा इसमें अपना माइंड भी यूज़ करना है एंड जो अच्छा अट्रैक्टिव हो, जो पढ़ने में समझ आ रहा हो और व्यूअर्स को भी अच्छा लगे उस टाइप का। जैसे कि सपोज़ मैं ये वाला सिलेक्ट करता हूँ, ठीक है। अब सिंपली मैं सिलेक्ट पे क्लिक करके एंड यहाँ पे लिखा है जनरेट आउटलाइंस, ठीक है। अब आपको जनरेट आउटलाइंस पे क्लिक कर देना है एंड थोड़ा सा वेट करना है। देन आफ्टर हमारा आर्टिकल्स कुछ इस तरीके का आउटलाइंस बना के दे देगा। अब आपको आउटलाइंस भी बेहतरीन यहाँ पे बनानी है। जैसे कि यहाँ पे देखिए आउटलाइंस हमारी बहुत अच्छी खासी बनी हुई है, वेज हाउ टू अर्न मनी बेसिकॉम मल्ट एंड बहुत सारी गाइस अच्छी खासी आउटलाइंस हमारी बन के आ गई हैं। तो सिंपली हम सिलेक्ट पे क्लिक करेंगे एंड देन फाइनली स्टेप हमारा आता है येस प्लीज़। तो आप सिंपली येस प्लीज़ पे क्लिक कर दोगे। अब उसके बाद हमें थोड़ा सा वेट करना है और गाइस यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे जो हमारे जैसे जैसे आर्टिकल्स लिखे जा रहे हैं यहाँ पे हमारे कॉइन्स भी पॉइंट्स भी कम होते जा रहे हैं, ठीक है। तो जैसे हमारे ये पॉइंट्स बिल्कुल स्पेंड हो जाएंगे हमारा आर्टिकल जो है वो बनके रेडी हो जाएगा। सो जितने हमारे पास पॉइंट्स होते हैं उतने ही हमारे पास हेडिंग्स के पैराग्राफ बनके आ जाएंगे। तो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे काफ़ी अट्रैक्टिव सा हमारा ब्लॉग पोस्ट ऑलरेडी राइट हो चुका है। आपके पहले ही बता चुका हूँ गाइस, जितना आपके पास क्रेडिट होंगे उतनी आपके पास आउटलाइंस होंगी। तो मेक श्योर कि क्रेडिट ऐसे ही लेके और गाइस कुछ अपने तरीके से भी कर सकते हैं। ये भी हमारा अच्छा खासा आर्टिकल्स राइट हो गया है और कुछ अगर दो चार लाइंस आप अपनी तरह से अट्रैक्ट सी इसमें डालोगे गाइस तो ये और ज़्यादा यूज़फुल हो जाएगा। तो इस तरीके से गाइस पूरा जनरेट हो गया। अब आपको क्या करना है, कॉपी कंटेंट, सिंपली कॉपी कंटेंट पे क्लिक कर देना है एंड देन जहाँ पे भी आप अच्छे से राइट करना चाहते हो आर्टिकल्स वहाँ पे कर सकते हो। जैसे कि मेरा यहाँ पे ऐड आर्टिकल, मैं सिंपली ऐड आर्टिकल पे क्लिक करूँ यहाँ पे पैराग्राफ पे, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने आर्टिकल्स को डाल दिया एंड जो आउटलाइंस हमारी जनरेट नहीं हुई थी यहाँ से मैं उन्हें डिलीट कर देता हूँ, यहाँ से मैं उन्हें डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। अब देन आपको यहाँ पे अट्रैक्ट ये बना देना है गाइस H1 एंड H2 हेडिंग्स के साथ एंड टाइटल्स में आपको सेम टू सेम सब कुछ हमारा यहाँ पे दे रखा है ऑलरेडी 10 वेज। टाइटल में आपको सिंपली ये कॉपी पेस्ट कर देना है, कॉपी एंड देन यही आर्टिकल्स का यहाँ पे पेस्ट कर देना है, ठीक है। एंड गाइस ये टैग से रिलेटेड है, हम टैग ही बना रहने देंगे एंड समरी पे गाइस इसी आर्टिकल्स की फर्स्ट वाली समरी यहाँ से उठाएंगे एंड देन हम अपना ये समरी पे टाइप कर देंगे। अब दोस्तों अगर मैं ज़्यादा कुछ आपको बताता हूँ तो वीडियो हो जाता है लॉन्ग और अगर फिर भी आपको कोई इश्यू आता है तो मैं हमेशा आपकी हेल्प के लिए 24 आवर्स गाइस रेडी रहता हूँ। आप मुझे इंस्टा पे मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। अब आपको यहाँ पे ये थोड़ा सा बोल्ड कर देना है, ये स्पेस कट कर देना है, ये यहाँ पे स्पेस कट कर देना। अब आप इतना तो समझ ही चुके होंगे, अच्छे से ये पूरा बना देना और पिक्चर्स वगैरह लगा के और बढ़िया से ये भी अप्रूवल हो जाएगा आपका। तो एक एक दिन में आप ऐसे करके 10-10 टेम्प मेल से वहाँ पे साइन अप करके डेली 10-15 गाइस पोस्ट आराम से यहाँ से जनरेट कर सकते हो और 15 पोस्ट में से आपके आराम से 6-7 पोस्ट अप्रूव्ड हो जाएंगे और गाइस गूगल में रैंक करने लगेंगे। आप यही पोस्ट अपने ब्लॉग पोस्ट, पेड फॉर आर्टिकल्स पे और एक और वेबसाइट जो मैंने बताई थी प्रीवियस डे में, तो आप वहाँ पे भी ये सारे आर्टिकल्स राइट करके अच्छी खासी मल्टीपल सोर्स पैसिव इनकम के जनरेट कर सकते हो फ्यूचर के लिए और बहुत अच्छा खासा रेवेन्यू आपको देखने को मिलेगा। सो इतना ही था गाइस इस वाली वीडियो में एंड आई होप आपको ये वीडियो बिल्कुल पसंद आई होगी। तो दोस्तों प्लीज़ यार सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा और दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट, आप जो भी आपका इशू है हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताया करिएगा। नेक्स्ट वीडियो में आपके टॉपिक पर वीडियो डेडिकेट सा मैं लेके हमेशा आता हूँ हमेशा की तरह। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में गाइस आपके किसी टॉपिक के साथ, तब तक के लिए गाइस जय हिंद एंड बाय बाय। दोस्तों खुश रहो और खुशियाँ बांटते रहो।